मेरे साथ में मेवात की एक महिला जुड़ी है जिसका नाम सबीला जैन, उनका यहाँ पे बैनर हम कुछ देर पहले देख रहे थे, तो अभी मेरे साथ में वो जुड़ चुके हैं, से जानने की कोशिश करूंगा। सबीला जी, आप कितने हैं, कितनी महिलाएं यहाँ पर आई है? हम तो 8-10 महिलाएं यहाँ पर। अच्छा, मेवात से यहाँ पर आई? हाँ। आप कितने दिनों से लगातार आ रही है? हाँ, हम सिंधु बॉर्डर और सीकरी बॉर्डर भी गए थे। अच्छा, और अब यहाँ हम आज सुबह आए थे। तो यहाँ पर किस लिए आप आए हैं? हम जो हमारे किसान भाई बैठे हैं इनके समर्थन करने के लिए आए हैं। अच्छा, जो हमारे सरकार ने 3 कानून कल बनाए हैं जी, सरकारों ने वापस लिए। इन कानूनों से आपको क्या परेशानी? सरकार तो कह रही है कि कानून किसानों के हित में बनाए हैं। ये हित में नहीं है, ये खिलाफ है किसानों के। अच्छा, अगर सरकार इनको नहीं लेगी तो इतने किसान सड़क पर से नहीं उठेंगे। किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, मेवात के जो सरकार कहते हैं कि पिछड़ा हुआ मेवात है, तो वहाँ भी बहुत चल रहा है। हाँ, वहाँ धरना चल रहा है, हमने खुद ने चलाया है और चल भी रहा है। अच्छा, हाँ, अपने हाथ से यहाँ चलकर क्यों आए फिर इतनी दूर? हम इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। नहीं, वो मोदी जी से कह रहे हैं कि जो कानून बनाए हैं ये किसानों के हित के लिए बनाए हैं। ना, बिल्कुल नहीं है। कैसे मानते कि ये हित में नहीं है? भाई, मंडी नहीं रहेंगी तो हम अपने अनाज को हर चीज को बेचेंगे कहाँ? हाँ, तो क्या मैसेज मोदी सरकार को देना चाहते हैं? ये सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वापस लिए, नहीं आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये बैरिकेड यहाँ पे लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन ने आपको रोक रखा है, आप जाना कहाँ चाहते हैं? हम दिल्ली जाना चाहते हैं, इनसे कुछ नहीं है, हम इनसे नहीं रुकेंगे। दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? हम वहाँ जाके सरकार को बताना चाहते हैं, या तो वापस लिए, नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने दिन से धरने पर आप लोग बैठे? हमने तो करीब 20-22 दिन हो गए चलते धरने पे। 20-22 दिन के पीरियड में कोई बीजेपी पार्टी का और हरियाणा में तो दुष्यंत की गठबंधन सरकार है, तो कोई बड़ा नेता आया आपके बीच? ना, कोई नहीं आया। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, जल्दी से जल्दी वापस ले इसको, नहीं तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, बहुत कुछ कर देंगे। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि हरियाणा के किसान नहीं है। हम पिछड़े हैं, वो हरियाणा से ही है, पिछड़े मेवात से ही है। मेवात से? हाँ, वो झूठ बोलता है, झूठी सरकार है। तो हरियाणा के किसान पूरी तरीके से प्रोटेस्ट? बिल्कुल साथ है, जी जान से मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मेवात की एक महिला मुझे यहाँ पर नजर आई, उनका एक यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, और उनका भी सरकार को यही मैसेज है कि मेवात में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में जगह जगह चल रहे हैं, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से अब जो किसान जाग चुका है, इसलिए मोदी जी को इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए कि सरकार जो है जब कानून बनाती है तो वो देश की 125 करोड़ जनता के लिए बनाती है, जब जनता को कानून पसंद नहीं है तो उनको वापस ले लेना चाहिए। ऐसा मैसेज मेवात आस्था के माध्यम से मैं भी देना चाहता हूँ। देखिए, गंगानगर से अभी हमारे साथ में चेयरमैन जी जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार के लिए, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं? असल में जो तीनों कृषि कानून जो कोरोना काल के अंदर सरकार लेकर आई और ये परिस्थिति को अवसर बनाने की बात कह रही थी सरकार, और उस परिस्थिति का ऐसा अवसर बनाया कि ये जो तीनों काले कानून है ये किसान को ही नहीं, मजदूर और व्यापारी और पूरी जो अर्थव्यवस्था इसको चौपट करने वाले हैं। इसलिए हम तो शुरू दिन से ही, जिस दिन से ऑर्डिनेंस आया था उस दिन से हम विरोध कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने उस ऑर्डिनेंस को संसद के अंदर बगैर बहुमत के, बगैर चर्चा करवाए हुए पास कर दिया। जो राजस्थान ही नहीं, ये कह रहे हैं कि ये पंजाब या हरियाणा का आंदोलन है, ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जब तक MSP की बात पर ये घुमाना चाह रहे हैं, हमारी ये मांग है ये तीनों कानून पूर्णतः वापस होने चाहिए, और MSP के नाम पे जो बार बार यहाँ के जो कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं कि हम इसको MSP को इसमें जोड़ रहे हैं, परंतु क्या जो अभी जो फसल की 17-18% की MSP तय कर रखी है केंद्र सरकार ने, क्या केंद्र सरकार उनको खरीद करती है? MSP जोड़ने का मतलब नहीं है, हमारा ये है कि ये खेती कॉरपोरेट को देने की कोशिश है, ये तुरंत प्रभाव से ये तीनों कानून है वो रद्द होने चाहिए, अन्यथा ये जो शाजापुर बॉर्डर है, हमने 3 दिन से शुरुआत किया और आप देखोगे 2 किलोमीटर लंबी जो किसानों ने रात को इतनी सर्दी के अंदर बड़ी आशा के साथ लोगों ने मोदी को वोट दिए थे,
परंतु आज सर्दी के अंदर किसानों को तपस्या करनी पड़ रही है मोदी के खिलाफ। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप वही लोग हैं जो लगातार हर हर मोदी घर घर मोदी करते थे, और जब मोदी जी रैलियों में ये कहता था कि किसानों की आय मैं दुगनी कर दूंगा, तो फिर अब आप क्यों रोड पर बैठे हैं? बिल्कुल है, आपकी बात सही है। मोदी जी को बड़े मान से, बड़ी इज्जत से लोगों ने दूसरी बार जिताया, परंतु अब लोगों को पता है कि मोदी सबसे बड़े झांसेबाज निकले। किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर इन्होंने किसानों को ठगा है। पहले 15 लाख के नाम पे ठग के वोट ले लिए, इस बार किसानों की आय दुगनी करने के नाम पे ठग के वोट ले लिए, और इस बार तो उन्होंने ऐसे हद कर दी। पहले शुरुआत रेल से की, एयरपोर्ट से की, अब जो कृषि सेक्टर बचा हुआ था इसको बेचने का इन्होंने काम किया है, और कॉर्पोरेट घरानों को। बीजेपी के कुछ नेता तो कहते हैं कि हमने 15 लाख रुपए दे दिए क्योंकि उन्होंने आपको जियो दे दी। हाँ, आपकी बात बड़ी है, मेरे भी अकाउंट में 15 लाख आए होंगे, आपके भी आए होंगे, भाई साहब के भी आए होंगे, अपने तो खुशहाल है। यहाँ तो ऐसे ही सोंग से बैठे हैं ना, सर्दी के अंदर 15 लाख आए होते तो है। सरकार इन तीनों काले कानूनों को, काले कानून आप बता रहे हैं, सरकार तो इनको धोले कानून बता रही है। वो तो कह रही है कि हमने किसानों के हित में बनाया है, अब वो इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते, कुछ चेंजेस नहीं करते, फिर आप लोग क्या करेंगे? आपको एक बात है जी, जनता का चुनाव प्रतिनिधि वहाँ बैठता है, अगर जनता को वो मंजूर नहीं है तो उसमें क्या अमेंडमेंट की, क्या कानून बनाने की जरूरत है? कौन से संगठनों ने मांग की थी भी ये कानून बनाओ? या तो पब्लिक मांग करे, कानून की मांग होती है हमेशा। किसने मांग की थी कोरोना काल में, जब देश तो सदमे के अंदर था, पूरा विश्व सदमे में था, किसने मांग कर दी कोरोना काल के अंदर ये कानून? देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, जरा एक बार वो घुमा करके दिखा दीजिए, जहाँ हर हर मोदी घर घर मोदी होती थी, आज वहाँ मोदी जी ने देश को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर सामने जवान खड़े हैं तो पीछे किसान खड़े हैं, यानी जवान और किसान आमने सामने हैं। और आज जो देश है वो सिर्फ ये मांग कर रहा है, देश की जनता ये मांग कर रही है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया जाए और जनता को राहत की सांस दी जाए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।